के जो हुसैन के हजरत इमाम हुसैन के मानने वाले हैं उनको दबाया जा सके, और क्योंकि वो एक हमें एक जज्बा देखे गए हैं, और वो जज्बा वो देखें कि वही है कि 1990 से लेकर अब तक 10,000 कश्मीरी नौजवानों को भारतीय काबिज अफवाज ने गिरफ्तार करके हिरासत के दौरान वो शहीद किया है। और जिस तरह आपने कहा कि शहरयार अफरीदी जो है वो उन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल जायज कहा, जिस तरह आपने कहा कि उन्होंने कहा कि यूएन के मुताबिक, यूएनओ के जो चार्टर है जी उसके मुताबिक जानवरों के भी पैलेट गनों का इस्तेमाल जुर्म है, और यहाँ तो भारत जो है निहत्ते कश्मीरियों पर असला इस्तेमाल करके इंसानी हकूक के मुहाफिज अदारों का मजाक उड़ा रहा है, ये भी उनका कहना था। उन्होंने ये भी शहरयार अफरीदी ने जो आज ट्वीट की है कि मोदी के तैनात करदा दरिंदों ने मुहर्रम के पुरअमन जुलूस को भी नहीं बख्शा, और शहरयार अफरीदी ने ये तक भी कहा कि मोदी सरकार को यह जान लेना चाहिए कि कश्मीरियों का नजरिया आजादी इनकी ताकत से कहीं ज्यादा मजबूत है, और मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस मुहर्रम के जुलूस पर जो तशद्दुद कर रही हैं दुनिया में इंसानी हकूक के रखवालों को इस जुल्म का जवाब देना होगा। शहरयार अफरीदी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार को मालूम होना चाहिए कि कश्मीर की आजादी की जिद्दोजहद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वीयन पर है, और हुसैन का नाम लेने वालों को ताकत के जोर पर कभी शिकस्त नहीं दी जा सकती, और मुहर्रम के जुलूस पर भारतीय पैलेट गन्स का निशाना बनने वाले कश्मीरी भाई बसारत से भी उन्होंने कहा कि महरूम कर दिए गए हैं, और इन मजालम के बावजूद भारतीय फोर्सेस कश्मीरियों के दिलों से इस्लाम की और पाकिस्तान की मोहब्बत जो है वो नहीं निकाल सकी। ये आज कहना था शहरयार अफरीदी का, जो आपको पता ही है कि अमूरे कश्मीर को आजकल देख रहे हैं, और मैं समझता हूं कि ये जो जज्बा है ये कायम है, दायम है, और इसी जज्बे की वजह से। अच्छा जाहिद, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। जाहिर है आप सदियों से आपके जो पुरख हैं वहाँ रहते आए हैं, और आप भी रूह आपकी आज भी वहीं मौजूद है, और आपके मज़ारात वहाँ मौजूद हैं, और बड़ी अकीदतबंदी है उन मज़ारात के साथ लोगों की। आपका जो रब सब्त है, जाहिर है आपके लहू में सराइत किया हुआ है ये सारा। आपके बड़ों ने जो बताया कि वहां तो मजारात, दरगाह हजरत बल, और वो इतने, मैं समझता हूं कि इतना खुला वहां माहौल था, फजा थी, और यहां तक रिकॉर्ड पर मौजूद है कि ऐसी दरगाहें मौजूद हैं जिनके इंतजामात जो है ब्राह्मण करते हैं। तो ये जो एक खुलापन था उसको किसकी नजर खा गई? इसमें कोई शक नहीं, मेरे खुद परदादा की जो मज़ार है जम्मू की तहसील नवांशहर में, और वो जो महाराजा हरि सिंह था वो हमारा मरीदैन में से एक था, और फिर जब बलवे हुए उस वक्त के मैं हमारे मेरे वालद बताते हैं, मेरी फूफो बताती है, मेरे ताया जो उस वक्त छोटे छोटे थे वो बताते हैं कि किस तरह फिर इन जो हिंदू थे उन्होंने बचा के उस बलवे के अंदर से वो सरहद पार कराई 48 के अंदर। तो ये उस वक्त की सूरत हाल कुछ और थी, लेकिन जब से ये मोदी यजीदियत के रूप के में आया है उस वक्त से सूरत हाल जो है वो काफी बिगड़ी हुई है, और ये मशहूर है, और ये इससे पहले ऐसा ही होता रहा है कि सर जब मेरे पीर मासूम शाह अला पीर उनको कहते हैं, जब 17 हाड़ को जब मेले की तकरीब होती थी तो बॉर्डर तक खोल दिए जाते थे, और फिर लोग उधर से मट्टी लेके आते थे, और उससे आपकी शफा तक का यार एक अकीदत उन है अपने अकीदत अंदर। था, अकीदत थी। लेकिन आज के दौर के यजीद को देखा जाए तो उसने ना कोई दरगाहों को देखा है, ना उन्होंने हमारे जो मुकद्दस अय्याम हैं जी ना उन्होंने उनको बख्शा है। हालांकि हमारे इस्लाम के अंदर तो सरकार से सब ने गैर मुस्लिमों के यूएन लिए चार्टर, जो यूएन चादरें का बिछाई। चार्टर जो है वो भी कहता हाँ, है। उन जब देखें यूएन का चार्टर जो है वो इंसानियत के लिए बना है जी और वो इंसानों के लिए बना है,
درندوں کے کوئی قوانین نہیں ہوتے، اور یہ بھارتی درندگی نے یہ ثابت کیا ہے کہ واقعی درندگی جو ہوتی ہے وہ کسی قانون کو نہیں مانتی، کسی قاعدے کو نہیں مانتی، انسانیت کو نہیں مانتی، اور یہی وہ غیر انسانی اقدام ہیں جو مقبوضہ کشمیر کے اندر اٹھائے جا رہے ہیں. اور اگر انسانیت ہوتی تو آپ کو پتا ہے کہ عیدین گزری ہیں دونوں، مسلمانوں کو عید تک پڑھنے نہیں دی گئی. اب تو وہ دیکھو خوشی کے ایام میں بھی وہاں پہ ظلم ہے، اور محرم کی نوحہ کنائی میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ظلم ہے. تو یہ ہی جو مہذب دنیا اپنے آپ کو کہلاتی ہے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے کیا بڑے ثبوت ہم دے سکتے ہیں کہ نہ ہم خوشی میں شریک ہو سکتے ہیں نہ ہم غمی میں شریک ہو سکتے ہیں. میں اس کو تھوڑا سا اور